दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरके अशोक गोयल। मेरे तरह तरह के वीडियोस आपने देखे हैं। मैंने काउंसिल के पिछले प्रेसिडेंट हबीब खान जी का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, उससे पिछले प्रेसिडेंट विजय गर्ग जी का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के बारे में, आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के बारे में तरह तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ। आर्किटेक्ट में जो अमेंडमेंट हो रहा है उस पर भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, उसके जो सेलियंट फीचर्स हैं उसके पे मैंने वीडियो बनाए हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसे व्यक्ति से आपकी आज बातचीत करूं, उनसे सवाल पूछूं जिन्होंने आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के बारे में, आर्किटेक्ट के बारे में और इससे संबंधित बहुत सारे मामलों पर अध्ययन कर रखा है। मैं आपको परिचय नहीं कराऊंगा उनका, आप उनकी शक्ल से परिचित हैं। अशोक दिल्ली वाला शो में ये मेरा पहला इंटरव्यू है और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने के लिए। आपने हबीब खान जी के बारे में बताया, विजय गर्ग जी के बारे में बताया, लेकिन आप एक और अहम शख्सियत के बारे में बताना भूल गए। मैंने बहुत सीनियर आर्किटेक्ट चरणजीत शाह जी का भी एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। चरणजीत शाह से आप परिचित ही हैं, देश भर में ढेर सारे एयरपोर्ट्स उन्होंने बनाए हैं, अब रेलवे स्टेशन के बहुत सारे का विकास वो कर रहे हैं। साधु आर्किटेक्ट मैंने उनको नाम दिया था, उनका भी मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। तो मैं सबसे पहला सवाल इनसे करूंगा, अशोक जी आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट सदस्य भी रह चुके और उसके बाद आपने उसकी सदस्यता क्यों छोड़ दी? आपने कहा कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट आर्किटेक्ट का सदस्य था और फिर मैंने सदस्यता क्यों छोड़ दी? देखिए, जब मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ज्वाइन की थी तो मुझे लगा था कि यह 100 साल पुरानी संस्था है और यह संस्था आर्किटेक्ट्स की भलाई के लिए काम करेगी, लेकिन वास्तव में जब मैंने पाया तो मैंने देखा कि सिर्फ कल्चर प्रोग्राम्स, बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन और इस तरह की बातों के अलावा, सेमिनार वेबिनार के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर रहे। जो भी ये लोग मीटिंग्स भी अपनी करते थे, उन मीटिंग्स में मैंने पाया कि एक तरीके का मोनोलॉग चलता था। जो इनके पदाधिकारी थे वो अपनी बात कहते थे और उसके बाद उसके मिनट्स रिकॉर्ड कर दिए जाते थे और बस संपन्न हो जाता था, कार्यक्रम समाप्त हो जाता था। जो मामले इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की मीटिंग्स में डिस्कस किए गए, उन मामलों को हल कौन करेगा भाई? या तो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट हल कर सकती है या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के बीच में मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों का ठीक से तालमेल नहीं है। अच्छा, एक बात आप बताइए कि आपके पुराने वीडियोस में देख रहा था जिसमें आप आर्किटेक्चर एजुकेशन के बारे में बात करते थे, आर्किटेक्चर कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है उसके बारे में बात करते थे। अब पिछले कुछ समय से आप ऐसे प्रकार की वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप तरह तरह की लोगों की गलतियां ढूंढ रहे हैं। तो कई लोगों को ने हमें कहा कि आप ये सिर्फ प्रचार पाने के लिए करते हैं, आप सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं, इसी के बारे में आपका क्या कहना है? आपने ये बड़ी अच्छी बात पूछी, मेरे पे आमतौर पे आरोप लगता है कि मैं सेल्फ प्रमोशन के लिए, प्रचार के लिए करता हूँ। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरी सबसे पहली किताब होम डेकोरेशन गाइड 1980 में आई थी। एक महीने में उसका पहला एडिशन बिक गया था, सेकंड एडिशन उसी साल दोबारा से प्रकाशित हो गया। तब मेरी मात्र 25 साल की उम्र थी, पुस्तक महल ने इसे प्रकाशित किया था। अगले साल एक और किताब आ गई, फिर 3-4 साल बाद एक और किताब आ गई। मेरी लिखी हुई किताबों से लाखों पाठकों ने लाभ उठाया, लाखों, 1 मिलियन से ज्यादा रीडर्स ने मेरी किताब को पढ़ा है, अप्रिशिएट किया है। 15 साल की उम्र में मैंने टेलीविजन पर प्रोग्राम दिए थे, उसके बाद रेडियो पर प्रोग्राम दिए। देश के हर प्रमुख पत्र पत्रिका, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मैं लेख लिखता रहा हूं। तो मैं सेल्फ प्रमोशन के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं फिल्म स्टार तो हूं नहीं, मेरे को ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर वीडियोज बनाऊंगा उसमें किसी की आलोचना करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ज्यादा काम मिल जाएगा। अच्छा, कई लोग तो ये कहते हैं कि क्योंकि आप किसी पद पर नहीं हैं, ना तो आप किसी IIE के पद पर हैं, ना आप काउंसिल के पद पर हैं, और इस वजह से आप लाइमलाइट में आने के लिए इस प्रकार के वीडियो बना रहे हैं, तो इस प्रकार के वीडियो बनाने का क्या औचित्य है? क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट वाले या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर वाले आपकी बात सुनते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ही सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं? आर्किटेक्ट सेक्टर जितना आपने अध्ययन कर रखा है और किसी ने नहीं कर रखा, आर्किटेक्ट सेक्टर के जो नए प्रपोजल हैं उन नए प्रपोजल से आपको क्या दिक्कत है? आर्किटेक्ट सेक्टर के बारे में आपने बात बिल्कुल सही कही कि आर्किटेक्ट सेक्टर में जो नए प्रपोजल आए हैं मैं उसका विरोध क्यों कर रहा हूं। देखिए, मुख्यतः इसमें दो चीजें सामने आई है। एक तो इसमें यह आया है कि आर्किटेक्ट्स को हम क्रेडिट पॉइंट देंगे।
अभी क्रेडिट पॉइंट कौन देगा? दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, मैं आपके क्रेडिट पॉइंट का या आपके क्रेडिट पॉइंट का मेरे जैसे प्रैक्टिसिंग एथलीट क्या करेंगे? आपसे नाटक एंड डांस तो कंडक्ट होता नहीं ठीक से, हर साल उसमें आप जानते हैं ढेरों गलतियां रह जाती हैं। नाटक के अंदर स्केचिंग होती थी, वो आपने उसको एलिमिनेट कर दिया। अब देश के 160,000 एथलीट्स के काम को कैसे वैल्यूएट करोगे? आप चरणजीत शाह के काम को वैल्यूएट करोगे? आप राजीव रॉय के काम को वैल्यूएट करोगे? उसके बाद उनको क्रेडिट पॉइंट्स दोगे? कौन करेंगे? ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दफ्तर में बैठे बाबू। तो ये क्रेडिट पॉइंट वाला जो आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट ला रहे हैं बड़ा हास्यास्पद है। एक और चीज देखिए आप, इसमें एक और आपने सुझाव दे दिया, बड़ा विचित्र सुझाव। आप कहते हैं हम सर्वेयर्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे, सर्वेयर्स का रजिस्ट्रेशन। आप कहते हैं हम सिविल इंजीनियर्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अरे भाई, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सर्वेयर्स और सिविल इंजीनियर की सबसे बड़ी घुसपैठ है, और सिविल इंजीनियर आपके पास रजिस्ट्रेशन क्यों कराएगा? सिविल इंजीनियर 4 साल की डिग्री के बाद बड़े आराम से म्यूनसिपैलिटी से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से जाकर रजिस्ट्रेशन ले लेता है। उसके बाद भवन निर्माण के लिए ब्लिंक प्लान सबमिट करने शुरू कर देता है, नक्शे बनाना शुरू कर देता है, सुपरविजन करना शुरू कर देता है। तो आपके पास क्यों आएगा? तो आपको तो ये सोचना चाहिए था आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी की भलाई के लिए क्या काम करें। एक बात बताइए मेरे को, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम से बड़ी दिक्कत है। मुझे बताया गया कि भाई विदेशों में भी ऐसा होता है, बहुत सारे कंट्रीज में लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम होता है। तो ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम अगर हमारे यहाँ भी हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? आप कहते हैं कि भाई सिविल इंजीनियर्स का नहीं होता तो हमारा नहीं होना चाहिए। भाई सिविल इंजीनियर्स का नहीं होता ना होने, अगर आर्किटेक्ट्स का लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम हो जाए, इसने इतना सारे एग्जाम पास किए हैं तो ये भी एक पास कर लेगा, उसमें आपको क्या करना है? लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम बड़ा अपने आप में एक बड़ा विचित्र मामला है। देखिए, आर्किटेक्चर का डिग्री कोर्स है 5 साल का, सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स है 4 साल का। 4 साल का डिग्री कोर्स करने के बाद कोई भी सिविल इंजीनियर म्यूनिसिपल कमेटी में, डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाके रजिस्ट्रेशन करा लेगा, लाइसेंस ले लेगा और वो भवन निर्माण के क्षेत्र में जुड़ जाएगा। उसको तुरंत रोजगार प्राप्त हो जाएगा, वो अपना काम करता जाएगा। अभी तक क्या होता था, मेरे साथ क्या हुआ, आप लोगों के साथ क्या हुआ? आपकी डिग्री आपको मिली, 5 साल की डिग्री थी, उसके बाद इंटर्नशिप थी, आपने इंटर्नशिप की, वहां पर सर्टिफिकेट जमा किया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने आपको रजिस्ट्रेशन प्रदान किया, आपके सीनियर्स ने आप पे भरोसा किया, इस बात का भरोसा किया कि आप ठीक से पढ़ लिख गए, आपको डिग्री दी, आपकी डिग्री के बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। वही परंपरा लंबे समय से चलती आ रही है, अभी भी चल रही है कि भाई जिसके पास भी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा कोई भी ऐसा कॉलेज जो मान्यता प्राप्त है, वहां से अगर उसने बी आर्च की डिग्री की है, ग्रेजुएशन किया आर्किटेक्चर में, तो उसको डिग्री दे दी जाए और उस डिग्री के आधार पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्ट्रेशन प्रदान करती है। ये परंपरा लंबे समय से चलती आ रही है, जब से आर्किटेक्चर बना है। अब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि विदेशों में ऐसा होता है तो हम भी अपने यहाँ लाइसेंस टू प्रैक्टिस या सर्टिफिकेट टू प्रैक्टिस एग्जाम लेंगे। आप कितने सारे अवरोध फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के मार्ग में खड़े करने जा रहे हो। आर्किटेक्चर कॉलेज में पहले से ही स्टूडेंट्स की संख्या घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री कोर्स 4 साल का है, आर्किटेक्चर का 5 साल का है। उसके बाद आप कहते हैं आप 1 साल की नौकरी कीजिए, उसके बाद हम आपका लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम लेंगे। यानी 5 साल के बाद भी किसी आर्किटेक्ट को यह भरोसा नहीं है कि वो अपनी प्रैक्टिस कब स्टार्ट कर पाएगा। सिविल इंजीनियर बल्कि डिप्लोमा वाले, 3 साल का डिप्लोमा उसने किया, किसके बाद? 10वीं के बाद। उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा किया, यानी 10+3 13 क्लासेस उसने पढ़ाई करी, और उसके बाद जाके म्यूनसिपैलिटी ने उसको छोटे भवन बनाने के लिए स्वीकृति दे दी, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया। तो ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र बात है कि आर्किटेक्ट्स फ्रेटर्निटी में ऐसे लोग बैठे हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में ऐसे लोग बैठे हैं, IIE में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी ऐसी विकृत सोच है कि वो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स की मदद करने की बजाय उनके मार्ग में रोड़े अटकारे। आपने थोड़े से सवालों के हमारे जवाब दिए, इंटरव्यू ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ एक दिन बैठूंगा, फिर मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो योजना है, आपकी जो परिकल्पना है, वो अल्टीमेटली है क्या। ठीक है, चलो आज हमने थोड़े से मसलों को डिस्कस किया है, फिर आपके साथ बैठेंगे। आप मेरे से जितने चाहे सवाल पूछिए, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। और मेरे वीडियोस तो आप अशोक दिल्ली वाला शो पर देखते ही हैं, फेसबुक पर आप मेरी बात सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ आए और हमारे सवालों के आपने जवाब दिए।